और इस अच्छे से चीज के दिखाने के लिए ना कहीं मैं ही नीचे न चला जाऊं। वो भाई कितना अच्छा सुंदर। हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं, जस्ट हम लोग अभी ना यहाँ पास वाओ वाला सीन है। इधर 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 बैठे हम लोग, देखो गाइस मुकेश ना घूम गया यहीं पे, ये इधर से आ रहा है, इधर से ये देख रहे हो, देख रहे हो ऐसा। कर्म घोंघेश्वर धाम जलप्रपात कर्म घोंघा। सो गाइस तो आज इसके बारे में हम लोग आज आपको बताते हैं। देखो ना मेरे पूरे पीछे साइड क्या सीन है, मैं आपको अपने कैमरा से दिखाता हूँ। मतलब ये ऊपर का नजारा देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। जी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और इधर से देख सकते हो गाइस, वाव वाला सीन है। ओ भाई ऐसा सीन तो अपने एरिया में कोई था ही नहीं ना मुकेश। सीन है वो इधर फोटो शूट। अरे धीरे धीरे गिरते हुए इधर भैया लोग फोटो शूट कर रहे हैं, देख सकते हो जैसा कि आप। एंड गाइस इसका सीन देखिए गाइस कैसा है, ओ माय गॉड वाला सीन है ये देखो। देखो गाइस ऐसा यहाँ पे झरना गिरता है, एकदम बहुत पतला सा गिरता है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ से यहाँ गिरता है, फिर देन इसके बाद यहाँ टकराता है, फिर इसके बाद नीचे आता है। भाई यार क्या ही बोलूं इसकी सुंदरता ना, क्या बोलूं। तो कहाँ से किधर से खिंचवा देंगे, देखते हैं कहाँ से खिंचवाते हैं फोटो। और गाइस फोटो तो खींचने हैं, मुकेश एक फोटो यहाँ से खींच दो ना मेरा, यहाँ से हो गया फोटो शूट। अब हम लोग उधर ऊपर में पता नहीं जीजा किधर लेके जा रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं। और यहाँ की पत्थरों को देखो गाइस, वाव वाला सीन है। इधर भैया लोग बहुत देर से इधर फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और ये बहुत ज्यादा सुंदर है यार, एक लाइक तो कर देना गाइस, मैं ऐसे ऐसे जगह आपके लिए खोजते रहता हूँ। अच्छा इधर से जाता है, इधर से जाते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है चलिए चलिए चलो। ऐसे कठिन रास्तों से गुजर कर हमें ऊपर जाने पड़ेंगे भाई। देख रहे हो जीजा कहाँ कहाँ घुस रहे हैं। हाय गाइस ऐसे ऐसे सीन से। आओ मुकेश आओ आओ, इधर 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 बैठे हम लोग। देखो गाइस मुकेश ना घूम गया यहीं पे, ये इधर से आ रहा है, इधर से ये देख रहे हो, देख रहे हो ऐसा। आओ आओ हाँ हाँ ओ गाइस देख रहो, यही कैसे फंस जा रहा हूँ। ऐसे परिस्थितियों से गुजर कर मैं ऊपर जाने वाला हूँ गाइस, मैं नहीं तीनों जाने वाले हैं। अरे और फिर आपको दिखाएंगे हम कि एक्चुअली क्या सीन था। यस ये अपना मुकेश आर्या है और ये मैं हूँ और ये जीजा जी जा रहे हैं।
इसके नीचे से जाएंगे हम। हाँ ऐसे यो। और गाइस इतना ऊपर हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल, अभी और ऊपर जाने हैं जिसका सफर अपने को यहाँ से तय करने पड़ेंगे। ओहो हाँ थोड़ी सी जंगल है। हैं क्या है मुकेश? थोड़ी सी जंगल है। पूरा जंगल है मुकेश, बाकी झुक के जाना पड़ता है। हाँ ये देखो गाइस वाओ वाला सीन है। ओए शायद तो भैया लोग को नहीं पता होगा कि इधर से रास्ता भी है ना मुकेश। हैं इधर से आना नहीं चाहते होंगे। अरे भाई इसके नीचे से तो कोयला निकलता है यार, देखो इसके नीचे पूरा गाइस कोयले का खदान है, खदान। यहाँ से लोग कोयला निकाल के ले जाते हैं। और मैं आपको पीछे का व्यूज कराता हूँ गाइस, ये देखो हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं। जस्ट हम लोग अभी ना यहाँ पास फोटो क्लिक कर रहे थे हो, और यहाँ से जो सीन दिख रहा है ना गाइस बहुत ज्यादा बेहतरीन। ये जो झरना है ना इसके जस्ट नीचे से इधर देख सकते हो ऊपरी परत ना, ये मैं निकाल के दिखा दिया आपको। ये देखो ये कोयले की परत है गाइस, इसके ऊपर जो तो पत्थर है और ये उसके नीचे से कोयला था ये देखो। और जैसा कि इधर नीचे से भी मैं उठा के दिखा देता हूँ ये। सो गाइस तो यहाँ से ना गांव वाले जो लोग हैं इतने बड़े बड़े कोयला देख सकते हो ये उठा कर ले जाते हैं। इधर पूरा दिखाओ गाइस उधर कितना अंदर तक खुद चुका है गाइस, वहाँ आप आगे देख सकते हो। हाँ वहाँ पे इधर भी देख सकते, हाँ यहाँ पे जूम करो गाइस। हाँ यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे गुफा बन चुका है गाइस, वहाँ से नीचे जाके जो है तो लोग और निकाल लेते हैं कोयला। इधर दिखाओ भाई लोग। और इधर अगर हम पास की बात करें इधर आओ मुकेश, और पास आ जाओ। हो गया तो गाइस ये देख सकते हो आप ऐसे कोयले निकल रहे, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ आपको बिलीव नहीं होता होगा। तो ये देखो ये प्योर एकदम बिटुमिनस कोयला है गाइस जो कि अपने छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और मैं छत्तीसगढ़ के आज मनेनगढ़ एरिया में हूँ जो कि शायद इस जगह को सब लोग जानते होंगे, आई होप कि नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो एक बार घूमने जरूर आइएगा गाइस। इसका जो है ना अंदर ही अंदर पहाड़ को काट के कोयला पूरा निकाल लिया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं बाहर का, क्योंकि इतना अंदर आने के बाद हम भी थक गए हैं गाइस, और उस गुफा के अंदर जाने का हिम्मत नहीं। आओ गाइस इधर यहाँ से फोटो खींचना है मुकेश, अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये है हमारा कैमरामैन मुकेश, और उसके साथ मैं यहाँ पे इस नजारे के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे हम लोग खींचने वाले फोटो कहाँ पे, इस लोकेशन में, वहां से फोटो खींची जाएगी गाइस, और इधर का पूरा व्यूस आएगा। और यहाँ पे पानी गिरता है इधर से देख सकते हो, ये पूरा कट चुका है यार, इंसानों के द्वारा ही काटा गया है जैसा लग रहा है। यहाँ पे जीजा बैठ के अपना वार्तालाप करते हुए, और थोड़ा सा मैं इधर जाऊंगा, खिंचल ना जाऊं, बस इसी चीज का डर है क्योंकि नीचे जाऊंगा तो मेरी जान बचेगी भी कि नहीं। देखो गाइस यहाँ से जो है तो झरना गिरता है और नीचे की ओर जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। देखो ये गाइस यहाँ से झरना गिरा यूं नीचे की ओर जाता है, कितना अच्छा लग रहा है ना, देख सकते हो आप। और इस अच्छे से चीज के दिखाने के लिए ना कहीं मैं ही नीचे न चला जाऊं, वो भाई कितना अच्छा सुंदर। अगर मेरे पास स्टिक होता ना गाइस तो मैं आपको नीचे तक का व्यूज कराता, बट मेरे पास हाथ है गाइस इसलिए मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं दिखा पाऊंगा, वरन इससे नीचे जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। देख सकते हो कितनी गहरी खाई है यार, और इसमें कितना गहरा मतलब जो है तो पानी होगा उसकी अनुमान मैं नहीं लगा सकता गाइस, बिकॉज वहां से पिकनिक स्पॉट वाले कुछ इधर वगैरह वगैरह करके काम चला लेते हैं अपना, और इधर भी पूरा ज्यादा। और गाइस यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा दीवारें हैं यहाँ पे जहाँ से पानी बराबर जो है तो निकलते रहता है यार। पानी तो क्लोजली दिखा रहा हूँ मुकेश, देखो ना इतना अच्छा निकल रहा है यहाँ से गाइस, ये जो है ना तो एक कट टाइप से निकल गया है, कभी भी नीचे आ सकता है, जैसा कि आप दरारें वगैरह देख सकते हो। आप जब अगर आप आना ना गाइस तो इतना ऊपर आने की कोशिश मत करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर है यार, और मैं इसका डेंजर वाला सीन अभी और दिखाने वाला हूँ आपको, देख सकते हो ये। और अगर गाइस मैं यहाँ चढ़ू तो क्या होगा, चढ़ जाऊं वो नहीं ना न चढ़ू, तो गाइस मुकेश मना कर रहे हैं मत चढ़ो। ये अल्ले हल्लड़े
ओए हल्लड़े, देखो मुकेश यहाँ आओ ना। अरे आओ ना, बहुत अच्छा है। मुकेश भाई नहीं आने वाला है। देखो गाइस क्या सीन है। एक टाइम पे हम लोग नीचे थे, वो वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे झरना गिर रहा है यूं ऊपर से। आगे जाके थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ, बस डर लग रहा है मेरे को। ये देखो गाइस, यहाँ से गिरता है झरना, ऐसे यूं नीचे की ओर जाता है। और यहाँ पे अपना मुकेश आ चुका है, अभी फोटो तो खींचेगा, मैं भी उसका खींचूंगा। और बहुत ज्यादा डेंजर जोन है गाइस, अगर आप आओगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों मुकेश? सही, अगर एक बार हल्ला करोगे 10 बार गूंजता है यहाँ पे। मैं अभी यहीं पे अपना बाल निकाल के दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ रहता है सीन। इसमें मेला लगता है? कब लगता है? महाशिवरात्रि में। तो गाइस यार यहाँ पे जो है तो महाशिवरात्रि में मेला भी लगता है, आप आके और देख सकते हो, आनंद भी ले सकते हो गाइस। और मेरे को जो है तो इधर के थोड़ा सा कुछ शॉर्ट्स शूट करने हैं, जिसके लिए मैं जो है तो कैमरा को अभी बंद कर रहा हूँ, आगे के लिए स्टार्ट करूंगा फिर आगे में। तो भाई यार लगभग हम लोग ऊपर का जो है तो देख ही लिए हैं, देन अब नीचे जा रहे हैं। हाँ है ना। तो गाइस उधर में जैसा कि आप देख सकते हो, वो वहां से जहां से झरना आ रहा है, रुको ये यहाँ से जी जब बोल रहे हैं यहाँ पास ना, ले जाके नहला दूंगा, ऐसा कुछ सीन है। ले जाने का ऊपर का पूरा जुगाड़ो यहीं के हैं भाई, तो जानते होंगे। देन अपन अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। बहुत मजा आया भाई यहाँ घूमने में यार, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार जरूर आ जाना। रिटर्न जा रहे हैं नीचे की ओर, अब नीचे ही मिलेंगे आपसे। और ये आ गए हम नीचे। फिसलेगा नहीं? फिसलेगा, चलो आराम से चलो। अरे हाँ भाई, मुकेश नया जूता पहना है तो थोड़ा सा सोचने पड़ते हैं। हो गया। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, ये यहाँ पे माता रानी की तस्वीर है। मुकेश तुम ही जा सकते हो, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। हाँ ये देखिए। और गाइस यहाँ पास से सीन बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, ये देखो किधर इधर पे ही लगता है ना जीजा मेला, यहाँ पे यहीं पे पूरा मतलब है। अच्छा मंदिर के उपलक्ष में। और इधर का देखो ना गाइस कितना अच्छा दिख रहा है, ये मूवी शूट हो जाए ऐसा लग रहा है। और इसका वो कहाँ कहाँ पे है जीजा जी? इसका बगल में है। बगल में है तो गाइस उधर बगल में और ज़्यादा अच्छा सीन है, लेकिन शाम होने को जा रही है इसलिए हम लोग जो है तो नहीं जाएंगे, क्योंकि शाम हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नहीं मुकेश भाई, हम लोगों को अभी घर भी जाना है, और कर्म घोंघेश्वर धाम घूम लिए हम लोग आज, एंड अब शिवरात्रि के दिन आएंगे जिस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगे रहेगा। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। बाय बाय।